हेलो, संजनाज वेज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बीटरूट टिक्की या कबाब। आमतौर पर बहुत सारे बड़े या बच्चे बीटरूट खाना पसंद नहीं करते हैं। ये सबसे बढ़िया उपाय है उन्हें बीटरूट या चुकंदर खिलाने का। और इसके बीच में जो हमने चीज़ स्टफ किया है, फिर तो कोई इसे मना नहीं कर पाएगा खाने से। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बीटरूट टिक्की या कबाब बनाने के लिए हमने एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा, एक कप बारीक कटे हुए प्याज। इन्हें हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। इसमें एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, एक छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल के हल्का सा भून लें। दो कप बीटरूट को कद्दूकस करके उसका पानी निचोड़ दें और इसमें डालें। इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे ताकि बीटरूट की जो कड़वाहट है वो निकल जाए। दो कप उबले हुए आलू मैश करके इसमें डालें। एक छोटा चम्मच नमक डालें, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्चें बीज निकाली हुई, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। अब हम इन सबको एक बाउल में निकाल लेंगे और 10 से 15 मिनट इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बाइंडिंग के लिए इसमें एक कप ब्रेड क्रम्स डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पे चीज़ क्यूब्स लिए हैं, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला या कोई भी, जो भी आपको पसंद हो। अब हम इस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके ऐसे लेंगे हाथों में और गोल लोई बना लेंगे और बीच में ये चीज़ डालेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से ऐसे ही हम सारी टिक्कियां बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी टिक्कियां बना ली है। अब हम इन्हें गरम तवे पर सेलो फ्राई करेंगे। सेलो फ्राई करने के लिए टिक्कियों को मैंने तवे पर रख दिया है और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इन्हें एकदम मीडियम आंच पे ही सेकेंगे और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे।
ये देखिए, ये टिकियाँ सिक चुकी हैं, कितनी बढ़िया दिख रही है ना। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिख के बताइए, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।